अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम मुलाकात के साथ आज नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं पीपी 115 से उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली जमात इस्लामी मियां एजाज हुसैन, उनसे बात करते हैं इलेक्शन के वाले से। वेलकम मियां साहब शो में। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अच्छा मियां साहब, जनरल इलेक्शन की आमद आमद है और जमात इस्लामी इस वक्त कहाँ खड़ी है? देखिए दस्तगीर, हमने हमेशा जो है वो उस माँ का रोल अदा किया है कि जिसने कहा था कि मेरा बच्चा उसको दूसरी औरत को दे दो ताकि वो ज़िंदा रहे, उसके टुकड़े ना हों, वो ज़िंदा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क की खातर जो है वो हमेशा सियासी जो अतहादी सियासत भी की है और उसके बाद फिर दो असूली बुनियादों पर दो इलेक्शनों का बायकॉट किया था। तो अब जमात इस्लामी ने जो है वो फैसला कर लिया इसकी मरकजी शूरा ने कि हर सीट पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और 35 साल 6-7 जो इलेक्शन होंगे उनके अंदर अपने ही मंशूर के मुताबिक और अपने निशान तराजू पे हर सीट के ऊपर हम अपना बंदा जो है वो खड़ा करेंगे और अवाम के सामने अपने लोगों को मैदान के अंदर उतारेंगे। अच्छा जमात इस्लामी को लोग वोट क्यों दें? तस्वीर इसलिए दें कि जमात इस्लामी इन 75 सालों के अंदर एक खुली किताब की तरह है कि जब भी इस मुल्क के अंदर दुश्मन मुल्क ने हमला किया है तो जमात इस्लामी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इसने अपना खून दिया है, अपने नौजवानों को शहीद करवाया है। हमारी खून जो है वो इस मिट्टी के अंदर है। अगर मैं ये बात करूं कि जब जब मुल्क के अंदर कोई आफत आई है, कोई सैलाब आया है, कोई जलजला आया है या पिछले दिनों कोरोना का ये एक वबा थी जो पाकिस्तान के अंदर आई है, तो जमात इस्लामी के रजाकार जो है उन्होंने आगे बढ़ के उन्होंने अपने लोगों को अपनी कौम की खिदमत की, उनको रेस्क्यू किया, उनके जो अपना इलाज मुआवजे के लिए वो आगे बढ़े, उनको राशन पहुंचाया। कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी अपने मुल्क के लोगों के उसने आंसू पूछे हैं। हम खिदमत की बुनियाद पे कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई मेरिट पे जमात उतरती है तो वो जमात इस्लामी है, लिहाजा कौम को जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को वोट देने चाहिए ताकि वो लोग जो है वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अच्छा जमात इस्लामी का जो है आइंदा लाए अमल क्या होगा? देखिए जी, हमारा लाए अमल मैंने जो पहले अपने आपके सवाल के अंदर जवाब दिया है कि हर सीट के ऊपर हम अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इन चोरों और लुटेरों ने इन 75 सालों के अंदर कौम को इतना मजबूर कर दिया है कि आज कौम आटा खरीदने से भी जो है वो परेशान है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो चुकी है। लिहाजा इस हालात के अंदर वाद ऑप्शन जो है वो जमात इस्लामी है और इंशाल्लाह तराजू वाले जो है वो इंसाफ भी करेंगे और इस पाकिस्तान को डिलीवर करेंगे। अच्छा मियां साहब, अगर जमात इस्लामी जो है इक्तदार में आ जाती है तो क्या वो भी पिछले हुक्मरानों की तरह जो है झूठे वादे करेंगे, लोगों को ऐसे ही ट्रकों के पीछे ले जाएंगे आटा के लिए ताकि लोग मरें, क्या ऐसे ही होगा? देखिये जमात इस्लामी जो है जब कराची जमात इस्लामी के पास था तो जमात इस्लामी ने वहां रोशनियों का शहर था, पूरा पाकिस्तान के लोग वहां पे इंडस्ट्री लगाई थी उन्होंने और पूरा पाकिस्तान के लोग जो है वहां रोजगार के लिए जाते थे जब पाकिस्तान यानी कराची जमात इस्लामी के पास था। इसी तरह आप केपीके के अंदर आप देख लें कि दो बार एक अतहादी जो एक वहां पे हुकूमत बनी उसके अंदर हमारे दो मिनिस्टर थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पे डिलीवर किया है, जो जिम्मेदारियां जमात इस्लामी के लोगों को मिली वहां पे उन्होंने डिलीवर किया। फिर एक बात और भी मैं दस्तगीर आपको कहना चाहता हूं कि जमात इस्लामी कोई 200 से ज्यादा लोग एमपी रहे, एमएनए रहे, मिनिस्टर रहे, नाजम रहे, मेयर रहे और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पे जो है वो रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर डिलीवर किया है। और मजे की बात यह है कि किसी का भी किसी पनामा लिस्ट के अंदर, कोई पंडोरा बॉक्स के अंदर किसी का भी नाम नहीं है। यानी कहने का मकसद यह है कि ना तो हमने कमीशन लिया, ना हमने जनाब को चट्टी दलाली का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किरदार पे
जो है वो कोई दाग नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह कौम को डिलीवर करेंगे। अच्छा मियां साहब, आपका जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक है, एक मजदूर फैमिली से तल्लक है, जमात इस्लामी ने आपको उस इलाके का टिकट दिया है जहाँ पे जो राणा सलाल्ला साहब दो बार जो है वो मिनिस्टर रहे हैं और अब भी मिनिस्टर है, और पीटीए की भी कहा वहां पे काफी जो है बात है, काफी वोट बैंक है, तो आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी क्या, आप कामयाब हो जाएंगे वहां से? देखें जी, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, ख्वाह तुम हल्की हो या बोझल, अपनी जानों से अपने मालों से। और जमात इस्लामी ने हमेशा जन्नत के हसूल के लिए वो समझते हैं कि अकामत दीन का नफाज जो है वो एक जरिया है, लिहाजा हम भी इसी फार्मूले पे बाहर निकलते हैं। नजरियाती लोग हैं, माल पानी हम इकट्ठा नहीं करते, ना बिजनेसमैन है, हम लोगों की खिदमत के लिए मैदान के अंदर, सियासत के मैदान के अंदर उतरे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है अपने मेहनत कशों पे, अपनी गरीब आवाम से, अपने रक्षा ड्राइवरों से, अपने पावर लूम वर्करों से, कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कुव्वत है, जो वो कुव्वत जो इनको वोट देती है, 98% लोग जो इन लोगों को, राणा साहब को या फर्ज कर लें पीटीआई के लोग हैं, उनको वोट देती है, तब ये लोग होते हैं। और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ हैं, मैं उनका भाई हूं, मैं उनके दरमियान रहता हूं, मुझे पता है कि उनका क्या दर्द है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे जो है वो पीपी 115 के अंदर जो हमारे भाई रहते हैं मुझे वोट देंगे, और इंशाल्लाह ये सीट हम जीत कर सराजुल हक साहब के सुपुर्द करेंगे। और मैं अपने लोगों को ये कहता हूं कि हम उनको मायूस नहीं करेंगे, वही सहाबा की जो सुन्नत है वो इंशाल्लाह जब हम यहाँ पे कामयाब होंगे तो सहाबा की सुन्नत जो है उसको इंशाल्लाह जिंदा करेंगे। हम खाएंगे नहीं, हम इंशाल्लाह जो कुछ आएगा वो आवाम के ऊपर लगाएंगे। ऐसी सड़कें यहाँ पे बनेंगी जो 30-30 साल वहां पे रहेंगी, लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें सीवरेज का निजाम है, जिसमें सुई गैस का जो लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, इसी तरह लोग इलाज मुआवजे के लिए परेशान होते हैं, उनको मेडिकल की सहूलतें मैसर नहीं है। हम इंशाल्लाह अगर होंगे तो कोशिश करेंगे कि हर आबादी के अंदर जो है वो मेडिकल की सहूलतें प्रोवाइड करें। हम चाहेंगे कि बच्चियों के लिए अलग से स्कूल हो और नौजवानों के लिए अलग से स्कूल हो। हम आप कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वहां पे ग्राउंड बनाएं ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो वहां खेलें, ताकि सेहत जो है वो भी परवान चढ़े, लोग सेहतमंद हों, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैलेंट जो है उसको भी हम आगे लेके आए, ताकि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट है वो भी मजबूत हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मियां एजाज हैं जो हैं पीपी 115 से सूबाई उम्मीदवार, जमात इस्लामी का टिकट उनको दिया गया। अब वो कहते हैं कि हम पूरे उम्मीद हैं इंशाल्लाह ताला, जिस तरह पिछले सियासतदानों ने मिसबिहेव किया इस कौम के साथ, इनको झूठे वादे दिलाए, लेकिन हम इसको जैसे कि कराची में आपके सामने मिसाल शामिल, इस तरह पूरे पाकिस्तान में हम जीत के स्पेशली हल्के की वाम को हम बहुत सारा इसमें रिलीफ देंगे। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मियां साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।